मेरा नाम ज़ैद है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ. मैं दराज पे अपनी एक शॉप चलाता हूँ ज़ैद असगर शॉप के नाम से. मेरा मेन काम उस पर मोबाइल एक्सेसरीज सेलिंग का है और साथ साथ मैं अपनी स्टडीज़ कर रहा हूँ कॉलेज में. फर्स्ट ईयर FSC इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ. दराज पे मैं ऑलमोस्ट 6 to 7 months से काम कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है. गुजरांवाला सिटी है, बहुत अच्छा सिटी है. लोगों के दिल बहुत बड़े हैं. जिस तरह आप किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो आपके उससे ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता है. डेवलपिंग सिटी है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है यहाँ पे. और गुजरांवाला मुझे पसंद है पर्सनली, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ पर ही हुई थी. मैं दराज का बायर था काफ़ी देर से. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सेलर्स इस पर काम करते. मुझे यही था कि दराज कंपनी की तरफ से ये काम होता है, लेकिन कुछ पैकेट्स मेरे कराची से आए, कुछ लाहौर से. जब मुख्तलिफ शहरों से आया था, मुझे तब अंदाज़ा हुआ था कि शायद इस पर कुछ सेलर्स काम कर रहे हैं. सो तब मेरी सर्चिंग स्टार्ट हुई थी दराज पे. स्टार्टिंग में मुश्किल भी काफ़ी आई और डर भी लगता था कि अगर कोई लॉस वगैरह हुआ तो मैं इतना फेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है. सो मैं अपने से स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो अब नहीं डर लगता. अब जो भी शुक्र है अल्लाह का, ख़ुद से कर रहा हूँ. मैं अपना ऑलमोस्ट सारा जो मेरा ख़र्चा है वो मैं ख़ुद से निकालता हूँ. कॉलेज की फ़ीस सारा कुछ मैं अपने से है मेरा, और घर को भी जितना हो सके सपोर्ट करता हूँ. मेरे आगे के प्लान्स इंशाल्लाह स्टडी है अभी, तो मेनली स्टडी है. स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है. स्टडी इंशाल्लाह आगे यूनिवर्सिटी UET में इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इंजीनियरिंग करेंगे और दराज का काम साथ साथ कंटिन्यू होगा. मेरे दो दोस्त भी मेरे साथ दराज पे काम कर रहे हैं. मैंने उनको भी दराज पे काम शुरू करवाया था. तो मेरी सबको यही एडवाइस है कि अपनी कोशिश करें, जब तक कोशिश करते रहें जब तक आप सक्सेस नहीं करते. जिस तरह वो इंग्लिश का बहुत अच्छा जुमला है, ट्राई ट्राई एंटिल यू सक्सीड. ये स्टोरी भी है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ी है, लेकिन वैसे भी अच्छी बात है कि ट्राई करनी चाहिए जब तक आप सक्सेस नहीं आते. मैं भी काफ़ी ट्राई की थी, काफ़ी ज़्यादा नाकाम भी हुआ था, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी. कोशिश छोड़ता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता.